दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका YouTube चैनल फाइनली अगर मोनेटाइज हो गया है, तो मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में आपको अपने YouTube चैनल की कुछ ज़रूरी सेटिंग्स करनी होती हैं। तो उन सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले जाकर। और दोस्तों, कंप्लीट आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल रिसेंट में या आज में या कभी भी मोनेटाइज हुआ है तो उसकी कुछ ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं, वो आपको करनी होती हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद की जो कंप्लीट सेटिंग डिटेल्स है वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद में अब करंट में यानी 2023 में आपको यूट्यूब चैनल की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको उसकी एक सेटिंग करनी पड़ती है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप मोड पर आ जाना है अगर आप मोबाइल से करते हैं, वरना आप कंप्यूटर की या किसी लैपटॉप की मदद से सेटिंग को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले चैनल के लोगो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में। अब YouTube स्टूडियो में जाने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप शो होगा नोटिफिकेशन, जो कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से आया होगा। वो यहाँ पर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर लिखा हुआ है जावेद पहलवान गंगो, ठीक है। ये एक पहलवान साहब का चैनल है और प्रॉपरली ये ब्रदर्स पहलवान ही करते हैं सारे। इन्होंने अपना ये चैनल बनाया और इनके स्टेप टू में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो मैंने सॉल्व करके दी है और फाइनली इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। तो अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे चैनल मोनेटाइज होता है तो उसके बाद में आपको इस तरह का पॉपअप आएगा और यहाँ पर आपको लेट्स गो पे क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपको क्या सेटिंग्स करनी होती है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये तो मोनेटाइजेशन का पेज है और मैं वापस कॉन्टेंट में अगर जाता हूँ तो कॉन्टेंट में जाने के बाद जहाँ पर आपकी वीडियोज़ रहती है सारी, तो आपको ये वीडियोज़ का जो मोनेटाइजेशन है किसी भी वीडियो का यहाँ पर इनेबल नहीं मिलेगा शुरू शुरू में जब चैनल मोनेटाइज होता है। तो फाइनली आपको सारी वीडियोज़ का मोनेटाइजेशन इनेबल करना होता है। तो अब आप एक एक वीडियो का तो यहाँ पर अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर अभी इनका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है वीडियो का, बाकी चैनल का यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर हो चुका है मोनेटाइजेशन, यहाँ पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर की कोई डिमांड नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो फिर आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट वाले पर। तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल करना है। यहाँ पर लिखा है अर्न फ्रॉम एड्स एंड यूट्यूब प्रीमियम ऑन द वॉच पेज, ठीक है, यहाँ से आपको इसको टर्न ऑन करना है। उसके बाद में इस तरह की गाइडलाइन आएगी, यहाँ पर लिखा है रिव्यू वॉच पेज टर्म्स, मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं रहती। फिर आई एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म पर आपको क्लिक करना है और बाद में एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह का एक पॉपअप शो होगा रिव्यू यू आर एट डिफॉल्ट्स, यानी एग्जांपल डिफ़ॉल्ट मोड पे हम इसको रखते हैं और जो एड्स लगी हैं आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से वो यहाँ पर ऑलरेडी सेटेड हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले एड्स भी है, स्कीपेबल एड भी है और नॉन स्कीपेबल एड पे भी यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है। बाकी आपको ज़्यादा नहीं इसमें कुछ करना है, नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा मोनेटाइज यू आर एक्साइटिंग वीडियोस, मतलब ये कह रहा है कि आप अपनी टोटल चैनल की टोटल वीडियो को एक ही बार में मोनेटाइज कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते मोनेटाइज तो वो ये कंडीशन पूरी करने के बाद में यहाँ से आपको इसको स्किप कर देना है, यानी फिनिश लेटर करने हैं। यहाँ पर लिखा है आप बाद में भी कर सकते हैं, एक एक वीडियो पे भी कर सकते हैं। तो खैर, हमें सारी वीडियोस का मोनेटाइजेशन इनेबल करना है तो मोनेटाइज ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो टोटल वीडियोस हैं उनका मोनेटाइजेशन फाइनली इनेबल हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेंट पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सारी वीडियोस का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर इनेबल्ड हो चुका है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये शॉर्ट वीडियो है, ये कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली इसका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। शॉर्ट का ज़रा लेट होता है, तो जो नॉर्मल लॉन्ग वीडियो हैं तो उनका जो सारी वीडियोज़ का जो मोनेटाइजेशन है वो फाइनली यहाँ पर इनेबल हो चुका है। इनकी सारी वीडियोज़ का मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ये देखिए आप, जो वीडियो बची हुई थी शॉर्ट का नहीं हुआ है यहाँ पर और बाकी सारी लॉन्ग वीडियोज़ का हो चुका है। अब यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ अर्न वाले पेज पर ही, यहाँ पर ये सारी वीडियोस का मोनेटाइजेशन इनेबल है, यहाँ पर ये एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पर शॉर्ट फीड एंड एड्स को यहाँ पर मुझे गेट स्टार्टेड करना है ताकि सारी वीडियोस का जो शॉर्ट वीडियो का भी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ टर्न ऑन। एक गाइडलाइन और आती है दोस्तों शॉर्ट्स के बारे में, इसको भी हमें आई एक्सेप्ट द शॉर्ट्स फीड टर्म्स को भी एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से सिंपली मैं शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब सिंपली मैं जाता हूँ मेंबरशिप में, मेंबरशिप में मैं जाऊँगा। अगर मुझे मेंबरशिप लेनी है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से आप
एक्सप्लोर नेक्स्ट स्टेप्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे सुपर सपने इस चैनल के इनेबल करने पड़ेंगे, उसके लिए यहाँ पर मुझे फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर चैट, सुपर स्टिकर एंड सुपर थैंक्स गिव फैंस न्यू वे टू सपोर्ट यू। यहाँ से सिंपली मुझे इसको गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन कुछ इस तरह की आती हैं जो सुपर्स के लिए होती है, उनको भी हमें यहाँ से कुछ फॉर्म फिल करना पड़ेगा ताकि आपके YouTube चैनल का अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पर ये मांग रहा है दोस्तों फुल नेम, मतलब किसके नाम पे ये YouTube चैनल है, उस नाम को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम अजीम है तो मैं यहाँ पर अजीम डाल सकता हूँ। तो इन्होंने जावेद पहलवान के नाम पर ये बनाया है, तो इनका नाम जावेद है, तो मैं इनका नाम जावेद ही यहाँ पर डाल रहा हूँ, जावेद, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सेकंड रिक्वायरमेंट कर रहा है कंपनी नेम। कंपनी नेम में आपको यानी एक ब्रांड नेम डालना है। ब्रांड नेम क्या है दोस्तों, वो है यूट्यूब चैनल का नाम। तो यहाँ पर सिंपली मैं डाल देता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको पेस्ट कर देता हूँ, जावेद पहलवान गंगो, और जावेद पहलवान गंगो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर इनका जीमेल अकाउंट मुझे यहाँ पर डालना है जिससे इनका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो सिंपली इनका जीमेल अकाउंट लेता हूँ और यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद में डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर आई हैव रीड एंड पे मैं क्लिक करता हूँ और एक्सेप्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स इनेबल हो चुके हैं। तो ये है कंप्लीट सेटिंग दोस्तों। बाद में आप चाहें तो सेटिंग पर जाकर दोबारा से ये देख सकते हैं कि जो चैनल की नॉर्मल सेटिंग है वो यहाँ पर कैसे हो रखी है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, इनका सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। बाकी इनमें ये अगर चाहें तो अपने हिसाब से अपने चैनल की सेटिंग को और चेंज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली तो मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पर कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको 2023 में YouTube चैनल की सेटिंग मोनेटाइज होने के बाद में कैसे करनी है तो कुछ इस तरह से करनी है। तो यहाँ से मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ, इनके जो है डैशबोर्ड पर जाता हूँ, जो इनका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आप देख सकते हैं 1 मई 2023 में इनका चैनल मोनेटाइज हुआ है, और इनका ये जो पॉपअप है इसको भी कर देता हूँ डिसमिस, ठीक है। फाइनली इनके यूट्यूब चैनल की सेटिंग मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में कंप्लीट हो चुकी है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो बाद में प्रॉपरली आपको कैसे सेटिंग करनी है अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में, तो वो एक ज़रूरी सेटिंग है। प्रैक्टिकली ज्ञान मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दिया है। अगर आपको इन फ्यूचर यूट्यूब के बारे में कोई, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ जो कि एकदम लेटेस्ट होती है। अब 2023 में YouTube मोनेटाइजेशन के बाद किस तरह की सेटिंग्स होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।